देश में जारी मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच ताजमहल भी आ गया है। कोर्ट ने ताजमहल के अंदर के कमरों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और PIL दाखिल करने वालों को कड़ी फटकार भी लगाई है। खैर, इस मामले में दिया कुमारी भी खूब सुर्खियों में है। दरअसल जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और राजसमंद के भाजपा की लोकसभा सांसद ने बयान दिया कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था और ये उनके पुरखों की विरासत है। साथ ही दिया कुमारी ने ऐसे दस्तावेजों के होने का भी दावा किया है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ताजमहल उनके परिवार का है। हालांकि दिया कुमारी पहली बार सुर्खियों में नहीं है, पहले भी कई बयानों और विवादों के कारण दिया कुमारी सुर्खियों में रही है। हम आपको बताते हैं दिया कुमारी की पूरी कहानी, पुराने विवाद और ताजमहल पर क्या है उनका पूरा दावा। सबसे पहले तो आप जानिए कि दिया कुमारी हैं कौन। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से हैं और इनका ताल्लुक मान सिंह के परिवार से है। वही मान सिंह जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके सेनापति भी थे। इस घराने को पहले आमेर और बाद में जयपुर के नाम से जाना जाने लगा। इसी परिवार के महाराजा सवाई भवानी सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी के घर पर साल 1971 की जनवरी महीने में राजकुमारी दिया कुमारी का जन्म हुआ था। राजकुमारी दिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इनके पिता सवाई भवानी सिंह भारतीय सेना के बड़े अधिकारी भी थे। बाद में भवानी सिंह ने कांग्रेस की टिकर पर चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में राजकुमारी दिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी और साल 2019 में राजसमंद के सांसद का चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंची। आपको बता दें कि दिया कुमारी ने ताजमहल मामले से पहले एक बार तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने कहा था कि वो भगवान राम की वंशज हैं। इसके पीछे किस्सा ये है कि जयपुर घराना खुद को शुरुआत से ही भगवान राम का वंशज कहता आया है। भवानी सिंह ने खुद को राम के बेटे कुश का 309वां वंशज बताया था और ये बात घराने के लोगों ने मानी भी थी। इसके अलावा दिया कुमारी के रिश्ते प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी ठीक नहीं रहे जब वो विधायक थी और राजे सीएम। दिया कुमारी की शादी भी विवादों में रही थी। ऐसा देश में आज भी देखा जाता है कि राजघराने के लोग राजघरानों में ही शादियां करते हैं, लेकिन दिया कुमारी ने आम शख्स से शादी की थी जिस कारण काफी विवाद पैदा हुआ था। दिया कुमारी राजनीति से इतर अपने सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि ताजमहल पर दिया कुमारी का दावा कितना मजबूत है। इतिहासकारों की माने तो अलग अलग अकाउंट्स होने के कारण कई मतभेद हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो आगरा में ताजमहल के निर्माण के लिए आमेर से संगमरमर के पत्थर लाए गए थे। इसके अलावा मकराना और राजनगर की खदानों से भी सफेद पत्थर लाए गए थे, जिसके लिए शाहजहां का राजा जयसिंह को जारी किया गया फरमान भी राजस्थान के अभिलेखागार में मौजूद है। राजस्थान के अभिलेखागार में ऐसे कई फरमान मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। हालांकि ऐसे भी दस्तावेज हैं जो ये कहते हैं कि वहां पर पहले से एक महल था। इस महल के बदले शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थीं। हालांकि ताजमहल से पहले वहां पर कोई महल था इसका दस्तावेज राजघराने के पास हो सकते हैं, तो ताजमहल पर राजघराने के दावे को मजबूत कर सकता है। तो बात फिर वही आ जाती है कि अगर वहां पर महल था और जिस शिवाजी के मंदिर के होने की बात कही जा रही है, अगर वो वहां पर अब भी है तो क्यों नहीं कोर्ट सर्वे के लिए आदेश देते हैं, या फिर अर्जी लगाने वाले वकील क्यों नहीं अपने दावों में ऐसे दस्तावेजों का जिक्र करते हैं जिससे स्थिति साफ हो। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।